हैवी ड्राइवर। मैं तो भाई आराम से स्लोली स्लोली चलाता यार। भाई फिर जीतेगा तो नहीं, मेरे से गारंटी ले ले। तेरी 100 cc की स्कूटी, मेरी 125 का भाई बाइक। ये देखो भाई कहाँ से लेके जा रहा है, कहाँ से। अरे भाई देख ले, ब्रेक के मारी जा रहा है, ठोक देगा फिर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ गली में, तो देख सकते हो भाई आज बाइक की सर्विस कराई, बाइक का वो वगैरह करा के बढ़िया बना दिया है। तो अगर मेरे को जाना है रेलवे स्टेशन, तो काम है मेरे को, तो जो भी आगे का सीन होगा आपको दिखा दूंगा। तो आगे तो भाई गली में आ चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अभी एक बार मैंने रेलवे स्टेशन जाना है, क्योंकि पहले मासी घर से प्रसाद लेना है। तो जो मामा है ना, मामा औरी, तो उन्होंने 100 मनी लगाई है, तो 100 मनी का प्रसाद लेके तो दीदी के पास भेजना फिरोजपुर। तो ट्रेन आती है ना से, तो वहाँ पे गार्ड को देना, गार्ड फिरोजपुर छोड़ देगा प्रसाद, तो वहाँ से दीदी पिकअप कर लेंगे उसको प्रसाद को। अच्छा। तो भाई पहले एक बार चिराग के पास जाता हूँ मैं, तो वहाँ से लवली शेड से पास जाना, फिर चिराग जाएगा, तो देखते हैं साथ। भाई बाइक में थोड़ी सी जान तो आ गई है भाई, कल से ज़्यादा थोड़ी जान है, पहले बाइक बंद भी होता था। तेरा भाई चिराग तभी जा रहे हैं लवली शेड से। भाई रेस लगा रहे हैं, तो भाई ये देखो यार हैवी ड्राइवर हमारा चिराग मजा। समझ रहे हो आप? चिराग मदान भाई रेस लगाओगे क्या? भाई साहब इग्नोर मार रहे हो, गजब बेइज्जती है। भाई राम से ब्रेक मत मार, ठुक देगा। भाई देख ले ऐसी ड्राइविंग करता है ये, अगर ठुक जाता फिर कहता भाई ठोक दिया मैं तेने। तो भाई देख लो कितनी गंदी चलाता है भाई हैवी ड्राइवर। मैं तो भाई आराम से स्लोली स्लोली चलाता हूँ यार, हाँ भाई कुछ कह रहा था। हेलो गाइस, ये तो ये ऐसा गंदी कैसे चला रहा है भाई, रेस लगा ले, सीधी लगा ले, बीच में क्यों भाग रहा है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे भाई मेरे को मारेगा तू, भाई ब्रेके मार रहा है, कट मार रहा है। ये देखो भाई कितनी गंदी चला रहा है। भाई देख लो रोड पे भी चला रहा, गली में चला रहा, इतनी गंदी स्पीड में चला रहा है। भाई फिर जीतेगा तो नहीं, मेरे से गारंटी ले ले। तेरी 100 cc की स्कूटी, मेरी 125 का भाई बाइक। ये देखो भाई कहाँ से लेके जा रहा है, कहाँ से। चल 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 चल, ये देख, ओ देख, मरेगा और मारेगा। पांचवा गियर नहीं लगा पा रहा, ये गंदी तरह कट मार रहा है इधर से उधर, मेरे को लग रहा है ठोकेगा मेरे को भी। भाई हमारे घर का हैवी ड्राइवर तो ये है भाई, ये मेरे को कहता तू गंदी चलाता है। भाई मैं तो आराम से चला रहा हूँ, तू मेरे को पीछे छोड़ रहा भाई। अरे भाई देख ले ब्रेक के मारी जा रहा है, ठोक देगा फिर। मदान साहब ब्रेक के मत मारो भाई, इंडिकेटर भी देता है, वाह सही है भाई,
तो भाई इसको ड्राइविंग आती है, इंडिकेटर भी देता है भाई। जल्दी आ भाई जल्दी। तो भाई अपन ने ये प्रसाद ले लिया, देखो तो लवली स्वीट्स का है। तो अभी अपन वहाँ से जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो भाई अपन माइक वगैरह सेट कर लेते हैं पहले, माइक वगैरह सेट नहीं ना। तो भाई देख सकते हो प्रसाद भी ले लिया, अभी अपन स्टेशन जा रहे हैं। तो स्टेशन में जाके ही प्रसाद दे के ज़्यादा लंबा व्लॉग तो बनाऊंगा नहीं। तो भाई टाइम मेरे हिसाब से हो चुका है, दोबारा थोड़ी आऊँगा, 4:30 बजे की ट्रेन है। तो 4:10 हो गई है भाई, तो 4:10 हो चुकी है, तो ट्रेन आएगी 4:30 बजे। तो मैं पहुँच ही जाता हूँ भाई, तो 10 मिनट का क्या करे जाना। तो भाई आज सर्विस करा के आया बाइक की, एंड सुबह गया 9 बजे भाई, मेरा नंबर 11 बजे आया। अंकल ने मेरे को बुलाया कहते 9 बजे आ जा। वहाँ पे भाई मेरा दोस्त मिल गया पल्सर बाइक वाला, वो ठीक करवा रहा था, तो उसका कार्बोरेटर वगैरह खोलने में टाइम लग गया भाई, मेरे को बैठना पड़ गया 1.5 घंटे यार वहाँ पे। फिर इसके बाद मेरा नंबर आया, सर्विस वगैरह की, एंड इसका फिल्टर भी थोड़ा ख़राब था, वो चेंज करवाया, फिल्टर चेंज करवा लिया, एंड मोबिल डलवा लिया, मोबिल तो डलता ही है चलो। एंड एक चीज़ और भी थी यार, भूल गया क्या आती थी वो, एंड जो मीटर की तार है ना, तो मीटर की तार नहीं डल पाई यार। अंकल जी के पास टाइम नहीं था, वो कहते भाई टाइम तो है नहीं, कल आ जाइयो या फिर जब भी टाइम हो तो को फ़ोन कर दूँगा, ऐसे कह रहे थे। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम मीटर की तार डलवा देंगे। फिर भी भाई मेरा खर्च 600 से 700 आ ही गया, एक तो लेबर चार्जेस आ जाते हैं, ऊपर से मोबिल थोड़ा महंगा हो रहा है, कैस्ट्रोल का डलवाता हूँ मैं इसमें, कैस्ट्रोल से ज़्यादा महंगा वो पता नहीं कौन सा आता है। तो भाई ये है रेलवे स्टेशन वाला रोड आ चुका है, ये हनुमान जी का मंदिर है इस साइड, और इस साइड तो मेरे को आगे पता नहीं आगे क्या रोड है, इस साइड कभी चक्कर लगा नहीं, गया नहीं कभी मैं। तो फाइनली गाइस मैं रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हेलमेट डाल रखा है ना। तो रेलवे स्टेशन का क्राउड बहुत है यार, देख सकते हो क्राउड है इस साइड जो भी है सीन। तो मैंने बाइक पार्किंग इधर कर दिया अपनी, एंड अभी जो मेरा ये सामान है जो प्रसाद है देना अभी जीजू को, जीजू की ट्रेन आएगी, देखते हैं भाई अभी ये प्रसाद किसको देना है, तो अभी फोन आ जाएगा पता लग जाएगा। तो वीडियो को नहीं पेंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।